याद रखना बिंदास, आया तो वेश नहीं तो 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 आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। हवा आने दे, दूसरे बहुत है। लोगों की कमी है क्या? लोगों की कमी है मार्केट में, लोग बहुत है, तो फिर कहां है उदास होना? फिर क्यों परेशान होना? क्यों सोचने में लगे हुए हो कि मेरी जिंदगी यहां पर नहीं बदलेगी? सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरी बात, पहली होती है सोच, दूसरा होता है दृष्टिकोण। आपका सही होना चाहिए। निगेटिव दृष्टिकोण से बड़ा बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। जूते के मालिक को हर इंसान पैदल दिखाई देता है, समझ आ रहा है? हर इंसान उसको लगता है कि उसको किसी न किसी चप्पल या जूते की जरूरत है। हर रेस्टोरेंट वाले को हर इंसान भूखा दिखाई देता है। कभी किसी रेस्टोरेंट के पास जाओ, खास करके हाईवे वगैरह में, एक लड़का हाईवे पे खड़ा रहता है, गाड़ी गुजर रही है, उसका काम ही होता है। देखा है? यस यस। देखा है? यस। कितने लोगों ने देखा है? जरूर देखा हो। उसका काम ही होता है, वो हाईवे पे खड़ा होता है। Yes, yes. एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था, मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, बोला भैया वो पागल है क्या? मैं बोला पागल नहीं, धंधे वाला आदमी नहीं, रेस्टोरेंट का धंधा है, इसलिए हर इंसान उसको जाता हुआ भूखा दिखाई देता है। यस या नो? क्योंकि उसका दृष्टिकोण अपने धंधे से बंधा हुआ है। इसलिए बिना पैर का इंसान अगर किसी सूज के शोरूम में चला जाए, क्या आपने कभी देखा है कि सूज का मालिक उसको डंडे मार के बाहर भगा दिए? क्योंकि हो सकता भाई के लिए जूता लेने गया हो, नहीं हो सकता क्या? हाँ या ना? लंगड़े का भी वैसा ही वेलकम किया जाता है जैसे एक आम इंसान का वेलकम करते हैं। तो कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आके कितना बड़ा काम कर रहे हैं आपके साथ। वो उधर जो छोटू बैठा हुआ है ना टोपी लगा के, हो सकता है कि दिन डायमंड बन के मर्सिडीज लाके यहाँ खड़ा करे, स्टेज से बात करेगा और लोग उसकी जय जयकार करेंगे, ये भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, हो सकता है मेरे दोस्त। डिपेंड करता है कि कौन इंसान कितनी मेहनत करता है, डिपेंड इस पे करता है। किसी की भी जिंदगी बदल सकती है, कोई लिखा हुआ नहीं है। मेहनत कौन कितना करता है, इसलिए परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। अपना तो धंधा ऐसा है, दृष्टिकोण बनाओ सही। तो मुझे रोड पे चलते हुए हर आदमी ना 100 के नोट दिखाई देते थे। मेरा प्लान ने बोला था कि बेटा देख, हाँ बोलेगा तभी पैसा देगा, ना बोलेगा तभी पैसा देगा। और एक आदमी से 100 से अगर 1000 तो एक आदमी से 10 रुपए कमाना है, तो तेरे तो पैसे रोड पे खड़े हैं। तो एक आदमी ना रहा था, मेरे अप्लाई ने बोला क्या दिखाई दे रहा है? मैं बोला सर एक यंग सा लड़का दिखाई दे रहा है, बेवकूफ, वो 10 का रुपया दिखाई दे रहा है। अब तू जा लपक ले। लपकना कैसे? जाके भाई बात कर ले 2 मिनट। क्या बात करने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? ऐसा तो नहीं कि आपने किसी को बोल दिया हेलो भाई साहब, बस गोली निकाला दो रुखा। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कोई जान नहीं मारे। तो बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना?